उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के लिए जहां आज का दिन महत्वपूर्ण है, वहां मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश की पहली चीनी मिल आज से 120 वर्ष पहले गोरखपुर मंडल में ही देवरिया जनपद में लगी थी और देवरिया से हुई ये यात्रा आज पूरे प्रदेश भर में 121 चीनी मिलों के साथ देश के सबसे अधिक, हमारा अन्नदाता किसान जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, सबसे अधिक चीनी उत्पादन का कार्य भी उत्तर प्रदेश में होता है। और 2018 के बाद जब भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग की उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर के इथेनॉल उत्पादन के लिए शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के लिए जब अपनी अनुमति दी, तो आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन वाला राज्य भी बन चुका है। और आज हमने देखा है यहां पर कि टोयोटा ने अपनी जो नई कार लॉन्च की है, इथेनॉल से कितने अच्छे ढंग से उसका जो एवरेज है, उसका जो बैकअप है, इन सबको अगर आप देखेंगे तो यह न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की एक नई संभावना की ओर भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। मित्रों, जहां हम सबके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई एक पक्ष नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि चाहे सरकार हो और चाहे चीनी उद्योग हो, इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान सीता हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। और मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के पक्ष में डबल इंजन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खासतौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्सर सा लागू किया, आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है तो चीनी मिले भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती भी दिखाई दे रही है। मुझे याद है जब 2017 में हम लोग आए थे और उत्तर प्रदेश चीनी मिल फेडरेशन से जुड़े हुए जब पदाधिकारी मुझसे मिलने के लिए आए थे तो मैंने उनसे एक ही बात का अनुरोध किया था। मैंने कहा कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हो, समय पे हो, यह हमारी मंशा है, राज्य सरकार आपको भरपूर सपोर्ट करेगी। आपने देखा होगा आज से 6 वर्ष पहले जो बात मैंने कही थी, मैं आज भी उसी पर अड़िग होकर के कार्य करता हूं और उसी को ध्यान में रख करके पहले ही साल मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना हो क्या आप मेरा सहयोग करेंगे कि तब तक चीनी मिलें चलेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा कि जब तक प्रदेश के किसी भी गन्ना किसान के खेत में गन्ना था, पिछले 6 वर्ष से लगातार आप चीनी मिलों को तब तक चलाते हैं, उस समय अपना मुनाफा नहीं देखते, घाटा नहीं देखते, तब तक चीनी मिलें चलती हैं। ये जो विश्वास पहले ही वर्ष में आपने अर्जित किया कि ठीक भाई, हर कार्य मुनाफे के लिए नहीं होता, विश्वास के लिए भी होता है, उस विश्वास की बदौलत सरकार प्रदेश के अंदर कुछ नया परिवर्तन करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करती है। गन्ना किसान प्रदेश के अंदर गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ाया, जो एक प्रकार के बदहाल की स्थिति में था, चीनी मिलें बदहाल थी, गन्ना किसान इससे प्लान कर रहा था। याद करिए,
120 वर्ष पहले जब कन्ना किसानों ने के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पहली चीनी मिल लगी होगी। अगर चीनी मिले नहीं लगती, गन्ना किसानों की वही स्थिति होती जो आज धान और गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों का होता है। आज तब भी गनीमत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के अंदर किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए, अनेक उनके वेलफेयर के कार्यक्रम बनाए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एमएसपी का यानी लागत का 1.5 गुना एमएसपी उपलब्ध कराना, प्रोक्यूरमेंट सेंटर के माध्यम से बिना किसी मध्यस्थ के सीधे किसान से उपज को खरीदना, लागत को कम करने के लिए तकनीक का उपयोग करना और उत्पादन को बढ़ाना, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी हर किसान को प्राप्त हो, यह पहली बार देश के अंदर हुए हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था पहली बार हुआ है। प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने भी उन सभी योजनाओं को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ की थी, उन सबको प्रदेश के अंदर लागू किया, और आज किसान अपने आप को एक प्रकार से एक संतोषजनक स्थिति में प्राप्त पाता है, एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। खेती से जो मुंह मोड़ रहा था, भाग रहा था, प्लान कर रहा था, गन्ना किसान तो और भी परेशान था। एक तरफ चीनी मिलें बंद हो रही थी, दूसरी तरफ किसान हताश और निराश होकर के खेती बाड़ी से प्लान कर रहा था। लेकिन आज कम से कम ये स्थिति नहीं, पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों, जो 45 लाख गन्ना किसान था, जो लगभग 60 लाख गन्ना किसान हो चुका है। 60 लाख किसान आज के दिन पे प्रदेश के अंदर गन्ना का उत्पादन कर रहा है। कई लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती बढ़ी है, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, और चीनी मिलें भी उतनी ही मजबूती के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। चीनी मिल के साथ साथ आज वह एक चीनी कॉम्प्लेक्स हो गया, आज वो केवल एक मिल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। वहां पे कोजन प्लांट भी है, डिस्टिलरी भी है, इथेनॉल उत्पादन के भी वहां पर प्लांट लग चुके हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीनी मिलों ने तो गन्ना किसानों को अच्छी वैरायटी के गन्ना और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम है प्रदेश के अंदर चीनी की रिकवरी भी बढ़ी है। आज लोग आश्चर्यचकित हैं, क्या ये वही प्रदेश है जहां चीनी मिलें बंद हो रही थी? आज यहां पर 11% से अधिक रिकवरी हो रही है। ये सभी चीजें जो किसान अक्सर इस बात को लेकर कहता था कि साहब हम घटतोली से परेशान हैं, पर्ची नहीं मिल रही है, आज तकनीक का उपयोग करते हुए लगभग शिकायत ना के बराबर है। तकनीक का उपयोग कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकता है? कोरोना कालखंड में जब अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूस रेड्डी जी मेरे सामने इस बात का प्रस्ताव लेके आए, मैंने उस समय कहा था, मैंने कहा भी चीनी मिलें कोई बंद ना हो, इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा हम भी किसानों के हित में चाहते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिक चलाएं तो। मैंने कहा बात तो करनी पड़ेगी, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, और उस समय विभाग ने निर्णय लिया, परिणाम था सभी चीनी मिलें चली। कोरोना में जब हर व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था तब चीनी मिलें, देश का या दुनिया का एकमात्र उद्योग चल रहा था वह था चीनी मिल। उनको चूने की सप्लाई भी होती रही, उनको सल्फर की सप्लाई भी होती रही, गन्ना की सप्लाई भी होती रही। प्रदेश सरकार को आपके साथ मिलकर के कुछ कदम उठाने पड़े थे, कोविड हेल्प डेस्क बनाने पड़े थे, और उस दौरान न केवल चीनी मिलें चली बल्कि सैनिटाइजर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में तो हर जगह हुआ ही, हर जगह सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। 27 राज्यों को उत्तर प्रदेश ने सैनिटाइजर की आपूर्ति की थी, 27 राज्यों को। ये फर्स्ट वेव के दौरान ही कोरोना कालखंड में हुआ। मैं देखता था कि जब शुरू शुरू में कोविड आया
तो सैनिटाइजर की एक छोटी सी सीसी जो बोतल जो 50 रुपए की थी वह 500 रुपए में मार्केट में बिक रही थी। लेकिन जब हमारी चीनी मिलों से ये सैनिटाइजर बनना प्रारंभ हुआ और थोक के भाव हमने फ्री में देना शुरू किया तो उसके बाद वो अपने आप ही 50 से क्या 25 रुपए में आ गई। 27 राज्यों को हमने दिया और जितना भी हमारी अथॉरिटी को चाहिए था, नगर निगम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम ट्रक के ट्रक, टैंकर के टैंकर उपलब्ध कराते थे, भाई लो छिड़काव करो खूब। अब देखते हैं कोविड रहता है या हम लोग रहते हैं। और आपके पास क्षमता थी, आपने शासन के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया। परिणाम था कि जो एक मोनोपोली चल रही थी सैनिटाइजर की, कि 50 रुपए की छोटी सी 100 ml की एक छोटी सी बोतल को 500 रुपए मार्केट में ब्लैक होने लग गई थी, वही सैनिटाइजर 25 रुपए में आ गई, फ्री में उपलब्ध हो गई। हमने हर जिले को, हर अथॉरिटी को उपलब्ध करवाना शुरू किया और जब देश के अंदर कमी पड़ी तो 27 राज्यों को भी हम लोगों ने राज्य से उपलब्ध कराने में योगदान दिया। और सेकेंड वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई तो हमें उस दौरान ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने में भी चीनी मिल मालिकान ने बहुत बड़ा योगदान किया, जिसके कारण कई चीनी, कई जगहों पर हर लगभग हर कमोवेश उस हर जनपद में, क्योंकि मेरे पास गन्ना विभाग हमेशा इस बात को कहता था कि हमारे पास इतने नए प्लांट आ रहे हैं कहां हम लगाएं, भाई देखो जहां गन्ना किसान है पहले उस क्षेत्र में लगाओ, हॉस्पिटल्स में लगाओ, जब वहां से बचे तो फिर हम दूसरे जनपदों की ओर भी गए। उत्तर प्रदेश अकेला जनपद था जिसने भारत सरकार के सहयोग से चीनी मिल मालिक और अन्य लोगों के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में 550 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे और जो आज भी कार्य कर रहे हैं, आज भी फंक्शनल हैं। संकट के समय जब मिलकर के हम कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी प्रकार से आता है। आज गन्ना किसान गन्ना पर्ची के लिए परेशान नहीं होता, उसके मोबाइल फोन पर हम सीधे उसकी पर्ची को उपलब्ध करवा दे रहे हैं, किसान भी संतुष्ट है और सरकार की भी, और जो ब्लैक मार्केटिंग पर्ची की होती थी उससे भी मुक्ति मिली। घटतोली की समस्या का लगभग समाधान हो चुका है।